सबसे पहला यह है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ सैटरडे दो डेटों के बीच में। तो दो डेट जो है ना, आप एक काम करते हैं, करेंट डेट डाल देते हैं, जुलाई डेट महीने का डेट डाल देते हैं। ताकि हम ये कर सकें ना, चेक कर सकें। तो यहाँ बोलता है नंबर ऑफ सैटरडे चाहिए टोटल दिन, यहाँ से यहाँ तक। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं कि इसमें से डेज अलग कर रहे हैं, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे करेंगे हम सम, सम के बाद हम कहेंगे इफ, इसके बाद करेंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट में हम इसमें इसमें प्लस रो, याद होगा आपको रो, और यहां पे दे देंगे 1 से लेके 30 तक, ठीक है। कॉमा डी 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 इज इक्वल टू सैटरडे, तो 1 नहीं तो 0। F2 कंट्रोल से एंटर, 4 आया। ये फॉर्मूला कैसे वर्क कर हाँ रहा है देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ हाँ एवलेट में जाके। सबसे पहले टेक्स्ट क्या किया, ये फिर जो रो 101 से 30 दिया ना, ये 1 से लेकर 30 तक के नंबर में कन्वर्ट हो गया, ओके ठीक है ना। फिर क्या हुआ कि हर किसी में एक जोड़ दिया इसने, लेकिन फिर ये 2 जुलाई से स्टार्ट किया, 1 जुलाई से स्टार्ट नहीं किया, यहां देखिए कवर हो गई। टेक्स्ट ने क्या किया, हर किसी का ये चेक किया कि टेक्स्ट क्या, मतलब डेट क्या है, मतलब कि डे क्या है, तो बिना सैटरडे आ गया। देन इसने चेक किया कि जहां जहां सैटरडे है वहां वहां ट्रू कर दिया, और जहां जहां ट्रू है वहां वहां 1 अपीयर हो गया, और जितने 1 है सम में उतने सम कर लिए, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करते हैं, 1 माइनस कर देते हैं, क्योंकि 1 0 से तो नहीं ले सकते हम, यहां पे हम करते हैं -1। F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, A4 में आप रो क्यों ऐड कर रहे हैं? A4 प्लस रो क्यों? सर इतने स्टार्ट डेट हो गया ना, लेकिन मुझे हर किसी डेट को चेक करना है सैटरडे आएगी। मैंने क्या किया कि सब में एक एक 30 बार एक जोड़ दिया इसने, ठीक है, 30 बार इसने एक जोड़ दिया, ठीक है, 30 बार सब में एक जोड़ दिया। यहाँ पे एक तो 31 जुलाई से लेके 30 जुलाई से ले 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक का डेट आ गया। अब टेक्स्ट ने किया सब डेट को डे में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और जितने इसमें उसको सैटरडे मिले हैं उतने 1 अपीयर कर देगा और फॉल्स को 0 कर देगा, और जितने 1 है सम हो सम काउंट कर लेगा। समझ में आया, परफेक्ट। हाँ नहीं तो डाउट इसमें? नहीं बहुत ही डिफिकल्ट था, आपने अच्छा समझ लिया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि भाई 30 तक है ये, इस डेट से इसको कोई मतलब नहीं है। अब इस डेट के साथ इसको लिंक करना है आपको, तो क्या कीजिए, अब यहां पे जो कल हमने बताया था इनडायरेक्ट का फंक्शन वो अपनाएंगे, और यहां पे लिखेंगे एक एक से, और फिर इसके साथ कॉन्कैटेनेट होगा। एक काम कीजिए, उसको रहने दीजिए, ये थोड़ा नीचे कॉपी करके कीजिए। एक वाला पहले वाला मैं समझ गया, उसको थोड़ा आप कॉपी कर दीजिए नीचे। नहीं इसमें कुछ नहीं कर रहा है सर, इसमें हम ये कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कल के डेट में आपको यहाँ पे 20 जुलाई यहाँ पे डेट बढ़ गया और घट गया, तो आपको मैनुअली यहाँ पे रो के अंदर जाके 30 को घटाना बढ़ाना पड़ जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ ना, ये वाला मैंने ठीक से समझ गया, क्योंकि मेरे को और एक बार देखना पड़ेगा, तो उसको रहने दीजिए, उसको कॉपी कर दीजिए नीचे, और एक बार बताइए। हाँ तो यहां मैं ही बता रहा हूं कि इसमें हमें क्या करना है। रो हाँ तो हमें क्या करना है कि यहां पे 1 से 30 है ना, 30 को ऑटोमेट करना है, ठीक है ना, कि जितना डेट हो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके यहां पे दिखा दे। तो इसके लिए क्या करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर हम कॉन्कैटेनेट करेंगे इसका डिफरेंस दिक्कत हो जाएगा,
क्योंकि वो लेगा नहीं, इसलिए हम इनडायरेक्ट के अंदर में हम कर सकते हैं ऐसा काम। कॉन्कैटेनेट किया, हम बोले कि लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट, ठीक है। अब यहां पे करते हैं F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो सेम रहा, इसमें चेंज क्या हुआ देख लीजिए। चेंज ये हुआ कि यहां पे, यहां देखिए B4 डेट मोड, डेट में से माइनस किया, दोनों डेट का डिफरेंस निकल गया, 30 निकल गया, फिर 30 कंबाइन हो गया। अब टेक्स्ट में कंबाइन हुआ है तो इनडायरेक्ट क्या कर रहा है इसको रेफरेंस में, एटलीस्ट जो ऊपर में था वही आ जाता है, ठीक है। बाकी जो सेम प्रोसेस है, और अगर कल के डेट में डेट बढ़ जाता है, जैसे कि मैं आज तक का डेट कर लू, यहां पर चेंज हो गया अपने आप, ठीक है सर। 31 जुलाई के बाद एक ही 2 तारीख को सैटरडे था, सही है। अब संडे काउंट करने के लिए क्या करोगे सर, बस सैटरडे को संडे कर दो, ठीक है, कर लेंगे ना आप। हाँ, नेक्स्ट आता है कि अगर मैं मान लीजिए कि मैं आज 1 अगस्त का ही दे देते हैं हम ताकि हम दिखे, 1 अगस्त हमारा है। अब मुझे पता करना है कि सेकेंड सैटरडे का डेट कौन सा है, ठीक है सर, सेकेंड सैटरडे का डेट क्या है। तो मैं इसका प्रोसीजर बता रहा हूं कि मैं कैसे करूंगा, कि मैं यहां पे पूरा 1 से लेके, सुन रहे हैं ना मुझे सर, सुन रहा हूं 1 से लेके 31 अगस्त तक का हम डेट डाल देंगे, फिर हर किसी का मैं ये अलग बता रहा हूं, लेकिन चीज को एरे के जरिए करूंगा, मैं टेक्स्ट निकालूंगा, फिर कंडीशन दूंगा यहां पे, इफ अगर ए इक्वल टू सैटरडे है तो ए शो है, नहीं तो फॉल्स है। जहां जहां सैटरडे होगा वहां वहां डेट आ जाएगा। हमारे पास सेकेंड सैटरडे चाहिए तो एक फॉर्मूला है स्मॉल का, जो कि एक लिस्ट में से बताता है कि दूसरा नंबर है, पहला नंबर क्या है। दूसरा नंबर आपका ए रहा, पता चल गया कि 9 अगस्त इज द सेकेंड सैटरडे इन दिस मंथ। समझ आया सर प्रोसीजर क्या है, सुजीत जी, प्रोसीजर समझ में आ गया। एफ कॉलर में तुमने डेट डाल दिया हमने, मैं बता रहा हूं कि पहले मैंने इसमें डेट डाला, म्यूट मत कीजिएगा, डेट डाला, फिर इस डेट का मैंने ए निकाल दिया संडे मंडे, फिर कंडीशन लगाया कि अगर ये सैटरडे है तो डेट शो करे, वरना डेट शो ना करे। तो क्या हुआ, जहां जहां सैटरडे नहीं था वहां वहां डेट शो नहीं हुआ, ठीक है। हम जानते हैं कि जो डेट हमारा होता है वो नंबर में कैरी होता है, एक्सेल नंबर में कैरी करता है, ये सारे डेट है, ठीक है। तो हमने, हमारे पास फॉर्मूला है स्मॉल का, जो एक लिस्ट लेता है उसमें से बताता है कि बड़ा कौन छोटा कौन। अगर मैं 1 करूं तो सबसे बड़ा डेट दिखाएगा, सबसे छोटा डेट दिखाएगा, मतलब कि अगर किस तरीके से नंबर डले हुए है, इसमें मुझे छोटा सबसे पहला छोटा चाहिए, तो मैं यहां से स्मॉल लगा सकता हूं, ठीक है, स्मॉल कॉमा 1, तो पहला 2 है,
अगर मुझे चाहिए दूसरा छोटा है क्या है, दो के बाद दूसरा क्या है, तो तीन है। अच्छा तीन के बाद क्या है, तो चार है। और लार्ज हमारे पास क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो प्रोसीजर समझ में आ गया। अब इस प्रोसीजर को हम एरे के थ्रू से एक सेल में करेंगे, तो फाइनल रिजल्ट आपको कौन दे रहा है, स्मॉल 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 दे रहा है। तो मैं यहां पे लिखूंगा स्मॉल, मेरे सेकेंड से ही रहे आप यहां स्मॉल स्मॉल के बाद इसमें चाहिए कंडीशन की इफ टेक्स्ट, हमने ये सिलेक्ट किया, प्लस रो ए, इस तरह का लिस्ट बनाने के कर रहे हैं हम, एक से लेके 30। ठीक है, फिर इसमें हमने दिया कॉमा डी 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 इज इक्वल टू टी टेक्स्ट सैटरडे सैटरडे, और फिर हमने दे दिया ए सेम ए प्लस रो का। ठीक है, अब इसको हम क्लोज करते हैं, स्मॉल में आने देते हैं टू। तो दूसरा चाहिए हमें एफ टू कंट्रोल से एंटर, ये आ गया आपका डेट 9 अगस्त। कैसे परफॉर्म किया देख लीजिए, सबसे पहले डेट टूटा, फिर एक से लेकर 30 तक का बना। अब इसमें हमने एक छोटी सी गलती कर दी, हमने -1 नहीं किया, हमें -1 करना चाहिए वरना ये 2 तारीख से दिखाएगा। संडे का दिखा रहा है, अच्छा इसके लिए तो -1 करना होगा सर, 2 तरफ -1 करना पड़ेगा ना। अब ऐसा अब बारी करते हैं, ए हुआ, ए 1 से लेके 31 तक टूटा, प्लस किया, देन फिर एक माइनस कर दिया, डेटा आ गया, हर किसी को सैटरडे संडे में कन्वर्ट कर दिया। फिर इसने चेक किया कहां का सैटरडे है, जहां जहां सैटरडे वहां 2 डाल दिया। ठीक है, देन अगेन जो है नंबर टूटा, डेट टूटा, डेट आ गया, और जहां जहां ट्रू था वहां वहां डेट अपीयर हो जाएगा, और जहां जहां फॉल्स है वहां वहां डेट अपीयर नहीं होगा। तो स्मॉल को पूरा डेट मिल गया, जैसे कि यहां मिला हुआ था, और स्मॉल इसमें से स्मॉल 2 निकाल लेगा। ठीक है, डाउट सर? नहीं नहीं। अब आता है गिव मी द लास्ट डेट ऑफ द सितंबर, तो लास्ट डेट के लिए क्या करना है, जस्ट मुझे मैक्स लगा लेना है। क्या, या फिर हमें लार्ज, एक फॉर्मूला हमारे पास लार्ज का है, तो हम लार्ज का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कॉमा वन। ठीक है सर, जैसे स्मॉल है कि हाँ सबसे छोटा रहता है नंबर डालने पे, ऐसे आपके पास लार्ज होता है कि सबसे बड़ा देता है, इसमें 6 दिखाएगा सबसे बड़ा है, इसलिए अगर 2 डाल दूंगा 6 से पहले क्या है 3, 6 से 6 के पहले क्या है, ऐसे दिखाएगा। तो इसमें भी हम सेम फॉर्मूला रखेंगे, हमें कोई फॉर्मूला चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस स्मॉल की जगह हम यहां पे लार्ज कर देंगे। अगर मैक्स लगाते हैं तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ये जो हमने ये लास्ट में जो 2 दे रखा है ना, ये सिस्टम को हटाना पड़ेगा। F2 कंट्रोल से आ गया सर। क्लियर है? क्लियर। डाउट इसमें? देन तीसरा पे आते हैं। अब जैसे ये देखिए प्रोजेक्ट टेकन है, इसमें ये नहीं हुआ था आपसे, हेलो, इंटरेस्टिंग चीज दिया है आपने, बहुत ही अच्छा सा दिया है, लेकिन मेरे से नहीं हुआ था। ये सिंपल है सर, ये बड़ी चीज नहीं है, इसमें कोई एरर यूज नहीं करना है। ठीक है, ये क्या है, 10 सितंबर को 10 बजे, 10 से 20 सितंबर के बीच में वर्किंग डे निकाल लीजिए,
सैटरडे संडे हो सकता है ऑफ हो, नहीं डेली खुलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने दोनों के बीच में वाक्य ने लगा दिया 9 है और इसमें से आपको एक माइनस खुला करना पड़ेगा क्योंकि वो 9वां दिन तक का कैलकुलेट करता है ना, वो एक दिन तो पूरा काम नहीं हुआ है ना, 14 तक काम हुआ है ना, और 18 घंटे 9 से 18 होती है तो एक दिन में कितना काम करता है, 9 घंटे काम करता है, तो 9 घंटे को मल्टीप्लाई कर दो आप 8 आवर्स से, 8 से, तो ये आपका जो है अभी ठीक नहीं, 0 दिख रहा है क्योंकि हमने इसको नंबर इसके फॉर्मेटिंग में, और ये जो सब आपको मैंने दिया है ना रियल टाइम प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि मैंने आपको घुमाने के चक्कर में आपको मैंने कर दिया है, रियल टाइम में है, तो हमें ऑफिस की जरूरत पड़ती है। 72 घंटे हुआ, अब मैं क्या करूंगा कि इस 14 में से 10 को घटा दूंगा, जो रिजल्ट आएगा उसमें हमें प्लस कर दूंगा और सेम फॉर्मेट अप्लाई कर दूंगा, तो टोटल वर्किंग आवर इज 75 hours 30 minutes। समझ आया सर इसको? दोबारा मैं समझाता हूं मैंने क्या किया, इन दो डेटों के बीच में मैंने डिफरेंस निकाला नेटवर्क डे, जिसमें सैटरडे संडे मैंने हटा दिया तो निकल गया 9 दिन, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 9वां दिन पूरा तो काम नहीं हुआ था और 10वें दिन पूरा एग्जैक्ट स्टार्ट नहीं हुआ था, इसे मैंने एक माइनस कर दिया। 8 दिन तो पूरा पूरा काम हुआ है ये हमें पता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि 10 सितंबर को 10 बजे स्टार्ट हुआ था और 20 सितंबर को 14 बजे दिया था, तो 9 घंटे मतलब 8 दिन के बाद कितना काम हुआ है, 8 दिन में पूरा पूरा काम हुआ है, तो मैंने बोला कि 14 बजे तक दिया है और 10 बजे तक लिया है, तो दोनों का घटा दिया तो 3 घंटे काम हुआ है 9वें दिन, ठीक है ना। हम 10 में 8 आवर पर डे काम कर रहा है, मतलब 8 दिन तो पूरा पूरा दिन काम किया है 9 घंटे, तो 72 घंटे इसने पूरा किया है, और फिर जो 9वें दिन जो काम हुआ है तो 9वें दिन उसने भले ही स्टार्ट 9 बजे से किया हो, लेकिन वो प्रोजेक्ट जो पहला दिन प्रोजेक्ट स्टार्ट था वो तो 10:30 से किया था, तो मैंने मान लिया कि 9वें दिन जो 10:30 से स्टार्ट हुआ है, 10:30 से स्टार्ट हुआ और 14 बजे तक किया जिसमें 3.5 घंटे बनते हैं, वो मैंने ऐड कर दिया। अब इसको एक फॉर्मूला मर्जिंग के मेथड के जरिए एक एक, एक साथ कंबाइन कर लो, ठीक है सर। अब चौथा नंबर क्वेश्चन ये है, ये तो बताया था सर आपको क्लास में, सम मिड इसको सेलेक्ट कीजिए कॉमा कर्ली ब्रैकेट में या फिर रो के अंदर में दीजिए रो रो इनडायरेक्ट 1 से लेके एंड लेन मल्टीप्लाई बाई 1 F2 कंट्रोल से एंटर। समझ में आया, समझाऊं सर इसको, इसीलिए मैं कल समझा चुका हूं इसको, दोबारा समझा दूं चलो तुम आया। ये हुआ अमित, इसमें लेन निकला, लेन 5 से लेके लंबा लेंथ कितना है 5, फिर 1 से लेके 5 तक कंबाइन बना 1 से 5, बट ये टेक्स्ट में है इनडायरेक्ट, इसको डिफरेंस में कन्वर्ट कर दिया, रो को मिल गया 1 से लेके 5, रो क्या करेगा 1 से लेके 5 तक का कर्ली ब्रैकेट में टूट जाएगा, देन मीट क्या होगा, अब मीट को 5 कर्ली ब्रैकेट मिले हैं तो 5 बार परफॉर्म करेगा, इसको बेसिकली इसको लूप बोलते हैं, जो कर्ली ब्रैकेट में तरह की चीजें आती है ना इसको लूप बोलते हैं, तो जितना बार कर्ली ब्रैकेट में डाला हुआ है नंबर उतना बार उसको चलना पड़ेगा, तो मीट को उतना बार चलना पड़ेगा, उतना बार चला हर बार वो अपना अलग अलग रिजल्ट लेगा, तो इसने हर बार इसको अलग अलग तोड़ दिया। अब बेसिकली ये टेक्स्ट है, सम इसको सम नहीं कर सकता है, तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए सबको मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि किसी भी टेक्स्ट वैल्यू को
वो नंबर अगर टेक्स्ट में लिखा हुआ है उसका अगर आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हो तो कन्वर्ट हो जाता है वो नंबर में, तो नंबर में कन्वर्ट हो गया, देन सबने इसको सम कर लिया। डाउट सर? ये तो मैंने बोला ही था कि मुझसे हुआ ही नहीं है, तो मैं आप ही रिसर्च कीजिएगा। अब बारी आती है एग्जैक्ट नंबर, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है समझे, तो पहले मैं इसका मेथड समझा देता हूं कि मैं करूंगा कैसे, मैं इसी मेथड को लेता हूं ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहां पे करूंगा मिड लगाऊंगा, मिड लगाऊंगा कि मिड इसमें रो एक से लेके आठ कॉमा, और फिर इसको एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ तक तोड़ेगा। बेसिकली रो हमने लगाया, रो की जगह हमें कॉलम लगाना चाहिए था, रो कब लगाएंगे जब इसको एक सेल में करेंगे तब। ये अलग हो गया, देन इसके मैं मल्टीप्लाई बाय वन करूंगा, तो जहां जहां टेक्स्ट होगा वहां वहां एरर आ जाएगा, जहां जहां नंबर होगा वहां वहां क्या हो जाएगा, नंबर आ जाएगा। लेकिन नंबर कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम यहां पे देंगे फॉर्मूला इच टेक्स्ट का, कि इच टेक्स्ट इज एरर, माफ कीजिएगा इज एरर, इज एरर, जहां जहां एरर होगा वहां ट्रू आ जाएगा, जहां जहां एरर नहीं होगा वहां वहां फॉल्स आ जाएगा। फिर मैं यहां पे मैच लगाऊंगा, मैच को बोलूंगा कि भैया मैच करो फॉल्स को, तो बताएगा कि चौथे नंबर से आपका स्टार्ट है, मतलब कि जो आपका लेटर है वो चौथे नंबर से स्टार्ट है। अब आपको पता ये करना है कि भैया नंबर ऑफ टेक्स्ट है कितने, नंबर कितने डिजिट में है, तो उसके लिए मैं काउंट ए लगाऊंगा तीन। अब फिर मिड का फॉर्मूला लगेगा कि मिड इसमें से चलना है चौथे डिजिट से तीन डिजिट उठाना है। अब बताइए इसमें कहां कंफ्यूजन है आपको, लास्ट दो पॉइंट समझा नहीं, यहां पे ये तो ट्रू 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 फॉल्स आ गया ठीक है। मैं समझा, मैंने जो किया जो टेक्स्ट था उस टेक्स्ट को मैं पहले एक्सप्लेन कर दिया, एक एक सेल में तोड़ दिया, फिर मैंने एक से मल्टीप्लाई किया जिससे क्या फिल्टर हो गया कि जो कोड ए था टेक्स्ट था वो एरर ए बन गया, एरर बन गया और नंबर नंबर रह गया ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि उसको चेक किया है कौन नंबर है कौन टेक्स्ट है ठीक है ना। अब हमने देखा इसमें एक चीज एक इसमें कंपल्सरी है कि नंबर इकट्ठा होना चाहिए ठीक है, तो हमने चेक किया कि भैया नंबर शुरुआत कहां से हो रही है, तो हमने इसमें मैच लगा के ढूंढ लिया कि शुरुआत हो रही है यहां से, कहां से फॉल्स यहां से ठीक। हम जानते हैं कि मैच रो एंड कॉलम नंबर देता है, तो कॉलम नंबर दे दिया कि फॉल्स जो स्टार्ट हो रही है चौथे नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो फॉल्स को ढूंढ के दे दिया चौथे नंबर से। अब मैं ऊपर वाले में जहां एरर आया था उस एरर में हमने काउंट लगा दिया जिससे काउंट कर दिया कि एरर जो है काउंट जो है सिर्फ काउंट नंबर करता है, तो उसने काउंट करके दे दिया कि नंबर ऑफ सेल में कितने काउंट है। अब फिर हमने अब मुझे पता चल गया कि चौथे नंबर से हमारा स्टार्ट है नंबर और तीसरा तीन तीन कैरेक्टर में है, तो हमने मिड से निकाल लिया। अंदर कैसे करेंगे,
तो चलिए करते हैं, सबसे पहले ऊपर वाला ये करते हैं, ए हमें वैल्यू किससे निकालना है, मिर्च से, मिर्च छोड़ देते हैं हम, पहले ए निकालते हैं। तो तोड़ के करेंगे तो फिर समझ में आएगा ना। पहले करते हैं मैच, मैच में फॉल्स को मैच करना है किसके अंदर, इज एरर, और इज एरर के अंदर में हमें देना है मिड, मिड के अंदर इसको डालना है, और कॉमा इसके अंदर देना है रो, रो में देना है एक से लेके आ, कॉमा वन, देन इसको मल्टीप्लाई बाय वन करना है, हो गया। देन यहां पे कॉमा जीरो करना, एफ टू कंट्रोल शिफ्ट एंटर, चार आ गया। देन यहां पे लगाना है फॉर्मूला काउंट, काउंट, और काउंट में देना है मिड टेक्स्ट कॉमा रो एक से लेके आठ तक कॉमा वन एंड मल्टीप्लाई बाय एफ टू कंट्रोल एंटर। देन मिड, मिड को हमने बोला ए कॉमा फोर से स्टार्ट करो एंड नंबर थ्री ऑफ कर लो, समझ गया। अभी दोनों के इस फॉर्मूले को इकट्ठा कर दो, कर सकते हो इकट्ठा ना। तो सिंपलाइज करके आप यूज कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि आपको एक ही साथ लगाओ, पहले अलग अलग लगा के देख लो, देन भी डिसाइड करो कि अगर काम कर रहा है तो आप इकट्ठा कर लो, ठीक है सर। हाँ ये क्लासेस से लग रहा है कि एक्सेल कितना पावरफुल है। अच्छा सर, ये तो कुछ भी नहीं है, आगे बढ़े। अब इसमें आता है सम ऑफ द थर्ड डेटा, बेसिकली क्या है, इस तरह से नेम आया हुआ है तो इसमें नंबर है आपका, अमाउंट थर्ड नंबर पे है, तो आपको हर नंबर को थर्ड करना, थर्ड चेक करना है, ठीक है। तो इसमें हम सम करते हैं सर, तो हमें सम से निकालना है, इसे हम सम करेंगे, सम, फिर कहेंगे इफ, इसके अंदर में हम यहां पे लिखते हैं रो, और रो में पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं, एक पूरा रो एक से लेके आ जाएगा रो। अब इस रो को हम मोड में डालते हैं, मोड कॉमा थ्री इज इक्वल टू, मैं पहले इसका एक कंसेप्ट समझाता हूं क्या है कंसेप्ट। सबसे पहले क्या करना है कि सीक्वेंस नंबर देना है यहां पे, ठीक है। सीक्वेंस नंबर ये रहा, फिर मुझे यहां पे मोड लगाना है, मोड में इसको लेना है तीन, तो थर्ड है इसलिए, मतलब मोड क्या होता है, शेषफल, अगर तीन का मल्टीप्लाई होगा तो शेषफल जीरो आएगा, ठीक है सर, नहीं तो आएगा। फिर चेक करना है कि इफ अगर दैट इक्वल टू जीरो तो इसको दिखाए, बढ़ना नहीं दिखाए, फॉल्स आ गया। तो जहां जहां जीरो है वहां नंबर आ गया, देन जितने भी नंबर उसको सम कर लेना है, ठीक है सर। मेथड समझ में आया, अब इसको एक सेल में करते हैं, यहां पे करेंगे सम इफ मोड, मोड के अंदर में हमने रो, रो इसको सेलेक्ट किया,
और हमने कॉमा थ्री डाल दिया, दैट इक्वल टू जीरो, तो क्या करें इस वैल्यू को 100% करें। सिंपल F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, आया रिजल्ट। ये कॉलम डी में जो जीरो आया है इसको समझा नहीं, क्यों जीरो आया? कौन सा कॉलम थ्री में जो वन जीरो मोड आ गया ना सेल्स पल, ये हर किसी को तीन से डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर नहीं आता, रिमाइंडर तीन को एक से डिवाइड करेगा, सॉरी यहाँ पे तीन को तीन से डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, तीन जीरो आएगा, तो ये जो जीरो यहाँ सेल्स पर जो जीरो आता है ना ये शो कर रहा है, अगर पांच कर दे तो क्या होगा, सेल्स पर दो आएगा। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए कि तीन को पांच को तीन से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे एक आया, तीन आया, उसके बाद यहाँ दो आ गया ना, तो देखिए दो आया तो दो शो करता है, अगर छह करेगा जीरो आएगा, तो रिमाइंडर जो होता है वो रिमाइंडर निकाल कर देता है, ठीक है। तो डाउट सर? तो इसी को यहां पे देख लिया, एक बार इस फॉर्मूला को समझिए आप, सुनाया सर? अब आठवें क्वेश्चन में इतना बोलता है हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिक, तक बताया नहीं आपको सर, तो मैंने सिंपल था कि सम काउंट इफ इसी को काउंट इफ इसी से ले ले इज इक्वल टू वन, तो वन दिखाया नहीं तो दिखा, हैव टू कंट्रोल शिफ्ट एंड बस, इसमें एक ही है। क्या बोल रहे हैं सर? क्या लॉजिक है यहाँ पे, काउंट हाउ मेनी, हाँ कितने यूनिक नंबर है इसमें, तो यहाँ पे इफ लगा दो, एफ टू कंट्रोल से हमने यहाँ पे बोला कि सबका काउंट निकालो, देखिए यहां पे हमने बोला भाई सबका काउंट निकालो, सबका काउंट निकल गया, किसका काउंट एक के बराबर है, जहां एक के बराबर वहां एक डाल दो, जहां नहीं है वहां फॉल्स कर दो, और फिर सम जितने एक है सबको सम सम कर लेगा, ठीक है सर। आगे बढ़े, नौवां नंबर क्वेश्चन सर, अब ये तो दोनों सर आपको खुद बनाना है। नहीं सर, ये दो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए है, आप थोड़ा बना लीजिए मेरे लिए। नहीं मैं बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ कहाँ पे बना हुआ है, आप न्यू पे क्लिक कीजिए। हाँ वो भी चलेगा। हाँ कैलेंडर पे जाइए, आ रहा हूँ, और फिर यहाँ पे आप कोई भी 2012 कैलेंडर ले लीजिए, और लेके डाउनलोड कर लीजिए, okay. आ गया सर, यहां पे डेट चेंज कीजिए, अरे लिंक है किसी से, ये ईयर चेंज कीजिए, ईयर चेंज हो गया, पूरा बना बनाया है सर, बस वो समझना है बस आपको,
तो सबके लिए अलग अलग प्यार में। और ये आपको समझना है सर, ये तो बने बनाए आपके सिस्टम में ही है, अब बना बनाया उसको देख के बस आपको समझना है। नेक्स्ट डैशबोर्ड है, तो डैशबोर्ड सर मैं आपको इसलिए दिया है चीज ताकि मुझे पता चले कि आपके डैशबोर्ड पे क्या स्किल्स है, ताकि मैं उसी लेवल की ट्रेनिंग दूं। अगर आपके डैशबोर्ड की स्किल्स अगर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो मैं बेसिक से चलूं, एडवांस है तो थोड़ा सा एडवांस लूं। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा जो सर ऐसे नहीं, आप बना के दिखाओ मुझे, आप बोलोगे समझ में नहीं आएगा, आप बना के दिखाओगे तो मुझे पता है। तो जैसे कि आपने पहले पढ़ा था नॉर्मल चार्ट, तो नॉर्मल चार्ट ही डायनेमिक चार्ट होता है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा डेटा को थोड़ा सा अलग कर देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं वो डायनेमिक चार्ट का। आप थोड़ा सा अगर कुछ रेस्ट लेते हैं, एक दो परसेंट भी ले सकते हैं, व्हाटएवर आपको जो भी है। क्या सर? इफ यू वांट टू टेक अ ब्रेक, क्योंकि यू आर टॉकिंग, मैं तो बैठा हूं, तो अगर नहीं, नहीं, मुझे प्रॉब्लम है सर, सुबह 5 बजे से पढ़ा रहा हूँ मैं। तो आइए हम डैशबोर्ड पे काम करना स्टार्ट करते हैं। मैंने ये बोला था आपको कि एरे जो आपने जो एरे फॉर्मूला अभी जो मैंने जो जितने भी टॉपिक्स बताए हैं ना आपको जो दिए थे, उसको एक बार खुद से लगा के देखते हैं। मैं ये बोल रहा था अब मैं इस पे एक छोटा सा चार्ट लगाता हूँ, ये चार्ट लग गया हमारा। अब प्रॉब्लम इसमें एक चीज और है कि जो सेल्स का जो टाइटल है, अगर उस टाइटल को अगर ऑटोमेट करना हुआ तो कैसे करें? तो इसके लिए बताता हूँ आपको, हम राइट क्लिक करके इसके इसमें सिलेक्ट डेटा पे जाएंगे, इस पे हम एडिट करेंगे। अब यहां ऊपर आपका टाइटल होता है, नीचे आपका वैल्यू होता है, तो मैं इसको मान लीजिए कि यहां पे दे देता हूं एंड ओके। तो ब्लैंक है, कुछ है नहीं। अगर मैं यहां तो लिख दिया डेली सेल्स रिपोर्ट, तो यहां पे आ जाएगा, ठीक है सर। अगर हम बात करें कि अगर आपका डेटा जो है, आपके पास मान लीजिए कि कई सारे डेटा है, जिसकी अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पे मैं नाम पूछ लेता हूं, सुमित, नीरज, मयंक, इंदर, ओम, उदय, ये नाम मैंने लिख देते हैं यहां पर, ठीक है। अब मुझे इस पे मान लीजिए कि मैं यहां पे मार्च और जून का ही चार्ट बनाना चाहता हूं, तो उसके लिए अब पूरा डेटा सिलेक्ट करना पड़ जाएगा चार्ट बनाने के लिए, लेकिन मुझे सिर्फ दो कॉलम का चार्ट चाहिए। तो यहां पे आएंगे इंसर्ट चार्ट, तो एक मिनट, हम कहीं और कर्सर रख के एक ब्लैंक चार्ट इंसर्ट करेंगे, फिर इसमें हम करेंगे राइट क्लिक सिलेक्ट डेटा, फिर हम इस मार्च को सिलेक्ट करें, पहले इसमें माफ कीजिएगा सिलेक्ट डेटा में इस बता दीजिए, ऐड पे क्लिक कीजिए, ऐड में सीरीज नेम मैंने यहां पे लिख दिया मार्च, और आपका जो डेटा है इस डेटा में मैंने मार्च का ले लिया, एक सीक्वेंस आपका तैयार हो गया। दूसरे के लिए मैं वापस ऐड पे क्लिक करूंगा और मैं मई ले लिया, और नीचे मई के लिए हम मई का डेटा, या जून जून करना चाहते हैं तो जून कर लेते हैं, तो इस तरह से जून का आ गया। और इसके बाद नीचे जो देख रहे हैं आपका नीचे ब्लैंक है, तो नीचे लाने के लिए हम एडिट पे जाएंगे और यहां से इस नेम को सिलेक्ट कर लेंगे, नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से मल्टीपल सिलेक्शन ले सकते हो। यही नहीं, अगर आपका डेटा डिफरेंट शीट्स पे, एक शीट का आपका ये डेटा है और दूसरे शीट पे आपका अगला डेटा है,
और लेकिन मुझे अब तीसरे सीट पे चार्ट चाहिए जिसमें से दोनों सीट का डेटा चाहिए, मतलब कि मुझे दोनों का मार्च और दोनों का लास्ट का जून चाहिए। तो उसके लिए हम तीसरे सीट पे आएंगे और यहां पे हम एक चार्ट इंसर्ट कर देंगे ब्लैंक, सिलेक्ट डेटा पे जाएंगे, ऐड पे जाएंगे, पहले सीरीज के लिए सीट पोर्ट पे गए और मार्च रख दिया और यहां पे पहले सीट का हम रेफरेंस ले लेते हैं। तो जैसे नॉर्मल लेते हैं ऐसे रेफरेंस हम इसको ले सकते हैं। फिर ऐड दूसरे सीट के लिए जाएंगे सीट फाइव पे और इसको रख लेते हैं और फिर एडिट पे करेंगे और यहां के लिए कोई भी ले लीजिए यहां से आ जाएगा। ठीक है, विदाउट सर। अब बारी आती है यहां पे सीट थ्री पे हम बात करते हैं, सीट वन पे ही बात करते हैं। मुझे चार बनाना है लेकिन इन तीनों का टोटल करके बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम बोलेंगे कि दैट प्लस दैट प्लस दैट। अब इसको नीचे ले आते हैं, F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, आ गया तीनों का जुड़ के यहां पे। लेकिन ये यहां पे वर्क नहीं कर रहा, तो इसके लिए हमें एक करना पड़ेगा, इसको चार्ट में नहीं लगा सकते, इसको डिफाइन नेम करना पड़ेगा, नेम डेटा में डिफाइन नेम। यहां पे मैं लिख दिया डेटा वन और फिर यहां पे मैं देता हूं कि दैट प्लस दैट प्लस। एक सेकेंड बोल दीजिएगा, हेलो कर देता हूं, अभी कर देता हूं, एक सेकेंड बोल दीजिएगा सर। हेलो, हाँ मिस बोलिए। फोर्टी फाइव क्लासेस हो चुकी है, 25 10 क्लासेस बच गई है। हाँ, और वो ऑनलाइन आती नहीं है स्काइप पे, स्काइप में ऑनलाइन आते नहीं। कितना बार मेरा मैसेज ही भेजा, आप लोगों ने आए नहीं, तब से मैं भेज ही रहा हूँ। नहीं, बेसिकली ये स्काइप से बात होती है स्काइप पे, कि स्काइप से हम
तो सर नेम डिफाइन करने के बाद हेलो हेलो हाँ, तो यहाँ पे अब जो क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे चार्ट बनाते हैं, इंसर्ट में चार्ट इंसर्ट करते हैं, और चार्ट इंसर्ट करने के बाद राइट क्लिक सिलेक्ट डेटा, इसमें जो है हम ऐड करते हैं शीट, यहाँ पे तो लिख देते हैं मान लीजिए क्वार्टर वन, और यहाँ पे हम लिखेंगे शीट वन स्लैश डेटा वन, ये सेट नहीं कर रहा है, किस तरह से नहीं कर सकते सर हम टोटल, लेकिन वो रेंज के जरिए ले सकते हैं। मैं एक बार आईएनडी कर रहा था, मैं कि कल एक प्रॉब्लम आया था, वो बोला था चार्ट के अंदर ही हम टोटल करना चाहते हैं, नहीं हो रहा है, हो गया नहीं, नहीं वो पॉसिबल नहीं है, बेसिकली एरर परफॉर्म नहीं कर रहा है ना यहाँ पे, अगर मैं एरर परफॉर्म करवा दूं अपने डेटा में, हाँ मैं इसमें एरे इसका परफॉर्म नहीं कर रहा है ना, मैं एक काम करता हूँ कर्ली ब्रैकेट में डाल देता हूँ, नहीं एरे इसमें एरे नहीं देता है, लेकिन आप ये कर सकते हो कि इस सारे नंबर को जो है ना प्लस करके इसको जो है नेम डिफाइन करके इसको चार्ट में ले सकते हैं, ठीक है, कहीं और चाहिए होगा तो वहां पे सम करवा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, यहां भी हो गया, अब बात करते हैं कि चार्ट के अंदर डेटा को कैसे कैरी किया जाए, हमने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट शीट से डेटा किस तरीके से आप लोगे एक चार्ट के अंदर में मल्टीपल शीट डेटा, अब यहां पे आता है कि यहां पे बारी कि अगर चार्ट, अगर हमने यहां पे अगर ये इसी की बात करें, इसी का ले लेते हैं, इसी के लेते हैं, यहाँ पे चार्ट के मुझे क्या कि डेटा इसको रखना पड़ा, मैं चाहता हूँ कि मैं चार्ट के अंदर ही डेटा कैरी हो, तो हम क्या करेंगे इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ देखिए जहां ए आपका आता है टाइटल, जो सीरीज का फॉर्मूला होता है, थोड़ा समझिए, ए आपका पहला होता है टाइटल जो कि ए ऊपर दिख रहा है यहाँ साइड में दिखता है, दूसरा आपका होता है जो ए आपका सीरीज, जो सीरीज बनता है वो सीरीज का आता है, और तीसरा जो है वो तीसरा होता है आपका ए जो वर्टिकल है उसका होता है, ठीक है सर। अब धीरे धीरे यहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं, तो कैसे करें चलिए देखते हैं, तो यहां पे हम इसको डिलीट, इसको पहले इसको डिलीट कीजिए, और मैं यहां पे सेल्स लिखना चाहता हूं मैनुअली, तो इन्वर्टर को मैं मैनुअली आप यहां पे सेल्स लिख दीजिए, देन यहां पे आप जो है फील्ड का नाम दे सकते हैं, रेंज फील्ड का नाम नहीं, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में लास्ट क्लास में समझाया था ना आपको मैंने, कर्ली ब्रैकेट में इसको हम दे सकते हैं, यहाँ पे जैसे 21, 32 कितना प्राइस होगा तुम्हें,
क्या बोल रहा है? समझ में आया सर कुछ? अब एंटर मारिए, अब इससे इस एंटर मार क्या हो गया? ओ सॉरी, मैं एस्केप मार दिया एंटर की जगह। तो यहीं पे आप कर सकते हैं एडिट, यहाँ पे देखिए कॉमा कॉमा 0 0 हो गया ना, यहीं पे आप कॉमा कॉमा करके डाल दीजिए कि यहाँ पे 21, 32, 43, 23 एंड 23। तो आप ऊपर भी डाल सकते हो या फिर सिलेक्ट डेटा में जाके भी डायरेक्ट डाल सकते हो। फिर यहाँ पे भी आप सेम ऐसे ही, अब इसमें आपको इन्वर्टेड कॉमा में डालना पड़ेगा क्योंकि टेक्स्ट है। जैन कॉमा फेब कॉमा मार्च कॉमा अप्रैल। ठीक है, और ये जो उसका लेजेंड आया है ना, वो सीरीज में नहीं आता है क्या? टॉप राइट में, राइट साइड में जो एक सेल लिखा है या? हाँ, ये तो टाइटल होता है सर, ये जो यहाँ पे डालते हो ना, ये आता है। और ऊपर वाला टाइटल वाला, ऊपर वाला भी सेम होता है। अगर आपका सीरीज एक है तो दोनों सेम होते हैं, अगर सीरीज दो हो गया, जैसे यहाँ पे दो हो गया ना, तो दोनों तब दोनों अलग अलग, तब यहाँ पे मैनुअल टाइप, तब इसे ऑटोमेट नहीं कर सकता फॉर्मूले के जरिए। ठीक है सर, तो इस तरह से ऑटोमेट आप इसका कर सकते हैं। आगे बात आती है कि मेरे पास डायनेमिकली और करने के लिए यहां पे बात आती है कि मंथ और यहां पे सेल्स। तो देखिए कि जैन से लेके मान लीजिए कि अभी जो महीना चल रहा है, कौन सा चल रहा है? अभी चल रहा है आपका अगस्त। तो अगस्त तक का सेल नहीं हुआ है, तो यहां तक का सेल आपके पास आ गया है, बाकियों का सेल नहीं आया। ठीक है, तो आपने इस पे सिलेक्ट किया और चार्ट बना लिया, इंसर्ट चार्ट बना लिया। कल के डेट में आप मान लो कि अगस्त का भी सेल आ गया, तो क्या करना पड़ेगा आपको? फिर इसको दोबारा दोबारा से जाके फिर इंक्रीज करना पड़ेगा। आप लोग से एक काम करते हैं कि 12 तक इंक्रीज ही कर देते हैं, एक खाली जगह दिखेगा, दिखा है ना सर? अब मैं क्या करना चाहता हूं कि मैं इसमें थोड़ा भी ये नहीं करना चाहता हूं, मतलब कि मैं नहीं चाहता हर बार ये हो, अपने आप होना चाहिए। क्या करेंगे इसके लिए हम?
इक्वल ऑफसेट। ऑफसेट में स्टार्टिंग पोजीशन हम यहां पे देते हैं, बोलते हैं कॉलम वन से चलो और जीरो कॉलम, तो वहां के स्टार्टिंग जैन यहां दिखा दिया ना सर। ये ऑफसेट वाला फॉर्मूला मैंने सीखा नहीं था, आप बताइए कैसे। ऑफसेट डेटा लुकिंग के फॉर्मूला होता है, डेटा को लुकअप करता है। तो मैंने बोला कि A1 से चलो पहला रो एन जीरो कॉलम का डेटा उठा के दे दो, इसने उठा के जनवरी दे दिया। जैसे वी लुकअप काम करता है ऐसे ये भी काम करता है, लेकिन ये नंबर ऑफ रो के हिसाब से चलता है। लेकिन इसी में एक लास्ट में हमारे पास रो एन हाइट है, तो मैंने यहां से बोल दिया कि इसकी जो हाइट है वो हाइट होनी चाहिए 9 और विड्थ होना चाहिए 1। अब ये डेटा नहीं देगा, अब क्या देगा, ये पूरा का पूरा रेफरेंस देगा। देखिए अगर मैं इसको सम के अंदर में डालूं तो भी आपको दिखेगा, इसको फॉर्मूला एवलेट कर दो। अरे मैं अभी समझा देता हूं। देखिए ऑफसेट जब हमने ऑफसेट में लगाया कि भैया A1 से जाओ एक नंबर कॉलम से चलना है, जीरो एक नंबर रो से चलना है, तो 01 यहां जनवरी चलना है और जीरो कॉलम में सेम कॉलम A1 में A में ही चलना है, और 9 बोला है कि इसका हमारा जो हाइट है 9 है और विड्थ 1 है। ये क्या करेगा कि A2 से लेके यहां तक की अगली 9 सेल तक का रेंज बना देगा, A2 से A10। समझ में आया समझ में ना। अगर मैं इसको 9 को ऑटोमेट कर दूं, यहां पे मैं काउंट लगा देता हूं COU। एक काम करेंगे, मेरे को एक दूसरा ऑफसेट का एक फॉर्मूला थोड़ा सिखा दीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने सिखा दिया सर। वही ऑफसेट का ही फॉर्मूला मैं आपको सिखा रहा हूँ, वही फॉर्मूला ऑफसेट का ही फॉर्मूला। यहाँ पे पेज में आपने सवाल कुछ कुछ ऐड कर दिया ना, तो कंफ्यूज हो जाते हैं सर। पहले तो मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कि सम सॉरी ऑफसेट क्या करता है, डेटा लुकअप करता है। सिंगल अगर ऑफसेट की बात करें तो मुझे अगर इसमें दूसरा कॉलन और पहला रो दूसरा रो एंड पहला कॉलन चाहिए, तो ये देखिए 43 यहाँ डेटा उठा दिया। ये क्या किया, A1 से स्टार्टिंग पोजिशन A1 था और यहां से नीचे आया दो कॉलन 1 और 2 और फिर अगला एक रो एक कॉलन आगे बढ़ा, दो रो नीचे और एक कॉलन आगे बढ़ा और डेटा उठा दिया। लेकिन इसी में ये तो डेटा लुकअप की बात हो गई, लेकिन इसी में लास्ट में होता है रो एंड हाइट। अगर हम रो है ना हाइट देते हैं तो सिंगल काम नहीं करता है, इंडिविजुअली काम नहीं करता है, वो किसी अदर फॉर्मूले के साथ काम करता है, जैसे सम। ठीक है, तो एक तब ये काम क्या करता है, तब ये रेफरेंस बनाने का काम करता है। देखिए रेफरेंस क्या बनाया, काउंट 10 ले लिया एक 1, तो ये क्या करेगा कि A1 से लेके यहां से लेके यहां तक का रेफरेंस बना देगा, A2 से लेके A10 का रेफरेंस बना देगा। रेफरेंस बना दिया, तो अगर हम हाइट एंड रो देते हैं तो रेफरेंस बनाता है, अगर नहीं देते हैं तो डेटा लुकअप करता है। ठीक है, तो इसमें हमने ऑटोमेट कर दिया कि अगर मैं यहीं पे सितंबर की जगह अक्टूबर डाल दूं तो ये ऑटोमेटिकली मेरा रेफरेंस चेंज कर जो है इंक्रीज कर लेगा। पहले क्या था A10 तक था, अब A11 तक हो जाएगा। आ गया A11? आ गया, हाँ समझ में आया। लेकिन इसका सिंगल यूज नहीं करते हैं, इसको सबसे पहले फ्रीज कर लीजिए आप। और जो ऑफसेट का फॉर्मूला था ना, इस ऑफसेट का फॉर्मूला को कॉपी कीजिए Ctrl+C और फिर डिफाइन नेम में आइए, और मैं DD नाम से डिफाइन किया, यहां पे मैं इसको पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया एंड ओके। और सेम एक और डिफाइन करेंगे हम, सेम किसके लिए, इसके लिए ई, और यहां पे पेस्ट करता हूं। अब इसमें छोटा सा हो जाएगा, एक जगह हो जाएगा DB B एंड B, जहां पे A1 था वहां पे हो जाएगा आपका B1। अब यहां पे आइए कि देखिए A2 से A10 है इसका है, तो मैं इसको डिलीट करता हूं सीट 8 और मैं DD डाल देता हूं। अब B10 से इसका है, इसमें हमें E डाल देता हूं, जो हमने नेम डिफाइन किए तो नेम डाल देता हूं।
आ गया, अब आपका ये ऑटोमेट हो गया। अगर मैं यहाँ पे अक्टूबर डालू और यहाँ पे जैसे नंबर डालूंगा अपने आप अक्टूबर आ जाएगा। अगर कल ये डेट मैं डिलीट करता हूँ तो ऑटोमेटिक डिलीट भी हो जाएगा। तो उतना ही रेफरेंस बनेगा इसका जितना कि आपने डेटा दिया है, डेटा ठीक है सर।